सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल PSF दिव्यांग म्यूजिक स्टूडियो को एवं लाइक करें सभी वीडियो, शेयर करें हमारे सभी साथियों तक। साथ ही हम सभी अपने अपने तरह से वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब तो अवश्य कर दें, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, संगीत युक्त जानकारी आप सबको मिलती है। साथ ही आप सभी हमारे दो टेलीग्राम चैनल हैं। पहला है विशेष संगीत शास्त्र, जिसमें संगीत से संबंधित अनेक पुस्तकें PDF फॉर्मेट में आपको प्राप्त हो सकती हैं। दूसरा चैनल है हमारा PSF स्किल डेवलपमेंट सेंटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ट्रेनिंग सेंटर, जो कि जबलपुर में स्थित है, जहां गायन वादन एवं तबला, हारमोनियम, कीबोर्ड सभी की शिक्षा दी जा रही है। दिव्यांग साथियों के लिए निशुल्क है विशेष रूप से, बाकी सभी के लिए शुल्क है। आप सेंटर पर आकर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर संपर्क करके हमसे चर्चा कर सकते हैं और सेंटर पर भी आ सकते हैं। हमारे सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है। साथ ही यदि आप स्पेशल वादक चाहते हैं, दोनों टेलीग्राम चैनलों की लिंक और दोनों व्हाट्सएप चैनलों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। साथ ही आप यदि चाहते हैं कि स्पेशल वादक या डोनेशन देना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम करा सकते हैं, जैसे देवी जागरण, भजन संध्या आदि। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले गुरुजनों से निवेदन है कि यदि हमारे वीडियो में कोई त्रुटियां पाई जाती हैं तो हमें अवश्य मार्गदर्शन दें। आप सबसे यही करबद्ध प्रार्थना है, चैनल को अनसब्सक्राइब कोई भी ना करें, क्योंकि इससे आप अनेक वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा देर लग जाती है, लेकिन आप सबके बीच में हम वो चीज़ें परोस रहे हैं मित्रों, जो आपको आज नहीं हमेशा काम आएंगी। चाहे वो शिक्षक हों, चाहे विद्यार्थी हों, सभी के लिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सबका मित्र प्रदीप रैदास। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है PSF दिव्यांग म्यूजिक स्टूडियो, यानी परिवार शक्ति फाउंडेशन दिव्यांग म्यूजिक स्टूडियो। तो आइए, हमारे स्टूडियो से आज प्रस्तुत होने जा रहा है यह वीडियो। आज हम आप सबको परिचय देने जा रहे हैं राग पहाड़ी का, जो कि बिलावल थाट का राग है। अभी बिलावल थाट की ही श्रृंखला हमारे यहाँ चल रही है। तो आइए बिलावल थाट के राग पहाड़ी का परिचय जानते हैं। राग पहाड़ी। इस राग की उत्पत्ति बिलावल थाट से मानी गई है। इसमें मा और नी स्वर अति अल्प हैं, इसीलिए राग की जातियों में इन स्वरों का राग की जाति में इस राग की मतलब पहाड़ी राग की जाति में इन स्वरों का समावेश नहीं किया गया है। इसे औरव जाति का राग माना गया है। राग पहाड़ी का वादी स्वर मतलब राग पहाड़ी में सा वादी है और पा समवादी है। इसकी चलन चंचल है, यानी यह चंचल प्रकृति का राग है और शुद्ध क्षुद्र प्रकृति का राग है।
इस राग को गाते और बजाते समय राग की सुंदरता यानी सौंदर्य बढ़ाने के लिए अन्य स्वरों का प्रयोग विवादी स्वरों की तरह करते हैं। राग पहाड़ी को राग भूपाली से बचाने के लिए अवरोह में शुद्ध मा का प्रयोग करते हैं। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है, किंतु प्रचार में इसे किसी भी समय गा लिया जा सकता है। मित्रों, मंत्र धैवत पर न्यास करने से राग पहाड़ी स्पष्ट हो जाता है। वैसे इस राग को अच्छी तरह काली तीन से बजाया जाता है, जो कि ये है। अब हम इसका आरोह अवरोह पकड़ देखेंगे। आरोह यह इसका आरोह अवरोह है। एक बार फिर से देखेंगे। ये इसका आरोह अवरोह है। राग पहाड़ी का की पकड़ है मित्रों, राग पहाड़ी का इतना ही परिचय हमें मिलता है।
आधा ज्यादा परिचय इसका नहीं मिलता। इसमें वैसे छोटा ख्याल तो अपने पास नहीं है और ना ही इसकी सरगम है। इस जैसा भी इसको मिलेगा। वैसे इसमें ठुमरी गाई जाती है और ध्रुपद भी शायद गाया जाता है। तो आगे हम अपने बड़े गुरुजनों से पूछकर आपको इसका परिचय देंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा, और यदि हमारी कोई त्रुटियां नजर आती हैं तो गुरुजन हमको मार्गदर्शन दीजिएगा। और यदि आपके कोई सुझाव होते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।